फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इकोलॉजिकल नीच। द नीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिनोट्स इट्स प्रोफेशन और इट्स इकोलॉजिकल रोल और इट्स बायोलॉजिकल रोल। सो वी कैन से दैट नीच इज इक्वेलेंट टू प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड वेयर इज हैबिटेट इज एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पेसीज। मीन्स नीच जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म और स्पेसीज के प्रोफेशन को बताता है, उसके इकोलॉजिकल रोल को बताता है और उसके बायोलॉजिकल रोल को बताता है, जबकि हैबिटेट जो है उस ऑर्गेनिज्म का या उस स्पेसीज का एड्रेस बताता है कि वो किस जगह पे रह रहा है। बट नीच जो है वो उसके पूरे प्रोफेशंस को बताता है कि वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या करता है, कैसा उसका इंट्रैक्शन है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। सो नाउ प्रोफेशन में क्या क्या आ सकता है, जैसे स्पेस है तो वो किस जगह पे रह रहा है, उसकी टेरिटरी क्या है, उसकी फीडिंग हैबिट्स क्या है ना, न्यूट्रिशंस क्या है एंड किस तरह का इंट्रैक्शन है विथ अदर ऑर्गेनिज्म, उसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या है, उसका क्या रोल है इकोसिस्टम में या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोसिस्टम पे, उसका ट्रॉपिक पोजीशन क्या है फूड चेन में। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म प्राइमरी प्रोड्यूसर हो सकता है, कोई सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो सकता है, कोई प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है। अगर प्लांट है तो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, अगर वो टाइगर या लायन है तो वो कंज्यूमर होगा। सो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अपना ट्रॉपिक पोजीशन होता है फूड चेन में। फिर वो किस इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट में रह रहा है, उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है किसी ऑर्गेनिज्म के नीच को बताता है। नीच टर्म सबसे पहले ग्रिनेल ने यूज किया था और अकॉर्डिंग टू ऑडम द नीच इज अ पोजिशन और स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन इट्स कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। जबकि हचिंसन्स ने नीच को इस तरह से डिफाइन किया है कि इट इज द टोटल रेंज ऑफ कंडीशंस अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। नाउ हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। इकोलॉजिकल नीच दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल नीच है, दूसरा है रियलाइज्ड नीच। द फंडामेंटल नीच इट इज द रेंज ऑफ नीच पोटेंशियली एंड फ्रीली ऑक्यूपाइड बाय स्पेसीज और ऑर्गेनिज्म। जबकि रियलाइज्ड नीच है इट इज द नीच एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय स्पेसीज और ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म को किसी अदर ऑर्गेनिज्म से कंपटीशन नहीं मिलता है फंडामेंटल नीच में, बट रियलाइज्ड नीच में उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपटीशन मिलता है। सो रियलाइज्ड नीच जो होता है वो हमेशा फंडामेंटल नीच से कम ही होता है। अब हम यहाँ पे इस डायग्राम से देख सकते हैं कि रियलाइज्ड नीच क्या है। सपोज दैट कोई ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी कंपटीशन का, सपोज दैट ये ऑर्गेनिज्म ए है जो इस इंटायर टेरिटरी में या स्पेस में वो रह रहा है, तो ये इसका फंडामेंटल नीच, क्योंकि यहाँ पे उसको ए ऑर्गेनिज्म को किसी से कंपटीशन नहीं मिल रहा है, तो ये इंटायर जो रीजन है वो दैट विल बी कॉल्ड एज फंडामेंटल नीच। लेकिन जब कोई स्पेसीज बी यहाँ पे इंटर करता है तो ए को बी से कंपटीशन मिलना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से ए जो है वो अपनी टेरिटरी को इधर शिफ्ट करेगा
और ए यहाँ पे, बी यहाँ पे इंटर कर जाएगा। तो इस तरह से अब इसकी जो टेरिटरी है वो यहाँ तक रह जाएगा। ये जो टेरिटरी है जो पहले यहाँ तक था वो शिफ्ट होके यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पे बी, इस एरिया को बी जो है ऑक्यूपाई कर लिया है, ए अब सिर्फ इस एरिया तक है। तो ये जो एरिया है ये कहलाएगा इसका रियलाइज्ड नीच, और ये जो इंटायर रीजन था ये ए के लिए जो है फंडामेंटल नीच हो गया। यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ऑर्गेनिज्म पहले इस एरिया में रह रहा था, लेकिन बी के आने से इसकी जो टेरिटरी है या जो रहने का जो जगह है वो शिफ्ट होके इस एरिया तक सिमट गया। इसलिए दिस विल बी नोन एज रियलाइज्ड नीच फॉर ए, एंड ये इंटायर एरिया जो रीजन है वो कहलाएगा फंडामेंटल नीच फॉर ए। फंडामेंटल नीच और रियलाइज्ड नीच को समझने के लिए जोसेफ कॉनेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और जो उसका एक्सपेरिमेंटल मॉडल था वो था कैथेमेलस बेलेनोइड्स एंड बेलेनस बेलेनोइड्स। ये दोनों ही स्पेसीज बैरेंकल स्पेसीज से बिलोंग करता है, और ये जो है सी अर्थोपोड्स है जिसके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है दैट इज सेल, और ये जो है स्ट्रॉन्गली रॉक से चिपका रहता है जो सी रॉक्स होते हैं, और ये जनरली शैलो एंड टाइडल वाटर में रहता है लिव कर। अब अगर हम इसको देखें कि ये सी है, ओशन है, और ये जो है सी रॉक्स है, तो जो कैथेमिलस है वो इस रीजन में रहता है क्योंकि ये जो है हाई टाइड रीजन है, और यहाँ से यहाँ तक लो टाइड रीजन है क्योंकि वाटर का लेवल जो है यहाँ तक जनरली रहता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स या अदर फोर्सेस की वजह से वाटर का लेवल मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक आ सकता है। दैट इज वाई इट इज नॉन एज हाई टाइड रीजन। तो ये हाई टाइड रीजन में वाटर का लेवल हमेशा नहीं रहता है, तो यहाँ पे ड्राइनेस की कंडीशन क्रिएट हो सकता है, यानी कि यहाँ पे ड्राइनेस भी होगा। तो ड्राइनेस की कंडीशन में जो बैलेनस स्पेसीज है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए बैलेनस इस हाई टाइड रीजन में सर्वाइव नहीं करेगा या रहेगा नहीं, तो ये लो टाइड रीजन में ही रहना पसंद करता है। तो इसके लिए ये फंडामेंटल रीच है नीच है, और ये उसका रियलाइज नीच भी होगा क्योंकि ये ऑलरेडी इस रीजन में जो है हाई टाइड रीजन में रहेगा नहीं, लेकिन कैथेमेलस जो है वो हाई टाइड रीजन में भी रह सकता है और लो टाइड रीजन में भी रह सकता है, लेकिन चूंकि लो टाइड रीजन में अभी बैलेनस है तो इसको यहाँ से इसको कंपटीशन मिल रहा है कैथेमेलस को, इसलिए ये जो है वो हाई टाइड रीजन में ही रह रहा है। सो दिस विल बी नॉन एज रियलाइज्ड नीच फॉर कैथेमेलस। तो कॉनेल्स ने क्या किया, इसकी जो फंडामेंटल नीच है उसको जानने के लिए कि क्या ये यहीं तक रहता है या फिर ये इस एरिया में भी स्प्लिट कर सकता है, तो उन्होंने जो है बैलेनस को यहाँ से रिमूव कर दिया और देखा कि ये जो कैथेमेलस है वो ये इंटायर रीजन में जो है स्प्लिट कर गया, हाई टाइड रीजन में भी और लो टाइड रीजन में भी। तो ये इसका जो इंटायर रीजन है ये इसके लिए हो गया फंडामेंटल नीच, क्योंकि यहाँ पे इसे किसी से कंपटीशन नहीं मिल रहा है, लेकिन
बैलेनस के प्रजेंस में इसी स्पेसीज का रियलाइड नीच जो है वो यहाँ से यहाँ तक हाई टाइड रीजन तक ही रहता है, तो ये इसके लिए रियलाइज नीच होगा कैथेमेरस के लिए। और जब बैलेंस नहीं रहेगा तो ये इसके लिए फंडामेंटल नीच होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको कंपटीशन नहीं मिल रहा है और इसका रियलाइज नीच सिर्फ यहाँ पे इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस प्रजेंट रहता है। अब हम देखेंगे कि नीच ब्रीथ क्या होता है, नीच ओवरलैप क्या होता है और नीच सेपरेशन क्या होता है। इस ग्राफ से हम इस तीनों चीजों को समझ सकते हैं। इस एक्स एक्सिस पे नीच डायमेंशन है और वाई एक्सिस पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन को दिखाया गया है। तो नीच डायमेंशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी का नैरो भी हो सकता है और किसी का ब्रॉडर भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम दो स्पीसीज लें ए और बी, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि द नीच ब्रीथ ऑफ ए इज वेरी नैरो इन कंपैरिजन टू बी। यहाँ पे इसका नीच ब्रीथ जो है नैरो है और यहाँ पे बी का नीच ब्रीथ जो है वो ब्रॉडर है। तो व्हाट इज द नीच ब्रीथ? इट इज द एक्सटेंट ऑफ नीच डायमेंशंस और कंडीशंस। मतलब इस स्पीसीज के लिए कितने सारे कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है, लीव कर सकता है। जो हम लोग पहले पढ़े थे नीच की सारी कंडीशंस, स्पेस, टेरिटरी है ना, और अदर भी सारी चीज़ें जो थी। अनदर चीज है कि नीच सेपरेशन। नीच सेपरेशन है कि देर इज नो शेयरिंग ऑफ नीच डायमेंशंस और कंडीशंस बिटवीन ए एंड बी। जब दो स्पीसीज के बीच में कोई भी कंडीशन शेयर नहीं होगा, दैट विल बी नॉन एज नीच सेपरेशन। तो ये जो है दोनों स्पीसीज के लिए नीच सेपरेशन। यहाँ पे दोनों ही स्पीसीज ओवरलैप कर रहा है, यानी कि कुछ कंडीशंस जो है वो दोनों ही स्पीसीज शेयर कर रहा है। सो द नीच ओवरलैप इज नॉन एज द कॉमन नीच डायमेंशंस और कंडीशंस। मतलब वो सारी कंडीशंस जो दोनों शेयर करता है इन्होंने नीच ओवरलैप। अब देखेंगे कि किसी स्पीसीज का जो नीच है वो नैरो होता है और किसी का ब्रॉडर होता है। आखिर इसमें दोनों में ऐसा क्यों हो सकता है, किसी स्पीसीज में किसी का नैरो है किसी का ब्रॉडर है, ऐसा क्या रीजन है? तो ब्रॉडर नीच ब्रीथ अनदर इज नैरो नीच ब्रीथ। तो जो ब्रॉडर नीच वाले स्पीसीज होते हैं वो वेरी जनरलाइज टाइप का होता है, यानी कि दे कैन सर्वाइव इन ए वाइड वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। दे कैन यूज वैरायटी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज एज वेल एज दे कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस। वेयर एज The species of narrow niche breed are very specialized type. They only survive in a certain or limited environmental conditions. They use very limited resources and they only tolerate a limited range of conditions. So these are the differences between broader niche breed and the narrow niche breed species. So these are all about the ecological niche. Thanks.